After discussing the structure of kidney and the structure of nephron, now we are moving towards the function of the kidney. So it performs regulatory function by different processes via filtration, deabsorption, tubular secretion, and countercurrent exchange. So first come on the ultrafiltration of the blood. Non-selective ultrafiltration of blood occurs while passing through the glomerulus of malphigian body. Two factors are responsible for this ultrafiltration: capillary wall of glomerulus and wall of Bowman's capsule. The blood pressure in glomerulus is high because the diameter of efferent arteriole is much less than the efferent arteriole. Thus, hydrostatic pressure is generated, which forces similar molecule of blood from glomerulus into the Bowman's capsule. लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन को अगर हम समराइज करें तो इसमें उन्होंने कहा है कि नॉन सेलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है. नॉन सेलेक्टिव मतलब हर चीज़ ही यहाँ पे फिल्टर हो रही है, कुछ सिलेक्शन नहीं कि ये फिल्टर होगा या ये फिल्टर नहीं होगा. ठीक है, अब फिल्ट्रेशन आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर माइंड में लेके आ रहे हैं. ऊपर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, जिनको कंबाइन मिलाकर ही हम क्या बोलते थे, मेल्फीजियन बॉडी. ठीक है, तो ग्लोमेरुलस की वॉल के पास और जो बोमेंस कैप्सूल है उसकी वॉल के पास कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं. समझे, उनकी जो वॉल होती है ना वो छन्नी की तरह होती है. छन्नी आपको पता है कि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसी तरह से उनकी वॉल होती है. इसी तरह से उनकी वॉल होती है जिसमें से क्या, अब जब ब्लड आता है सारा, ठीक है, तो तकरीबन चीज़ें जो ना यहाँ से फिल्टर आउट हो जाती है, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन. रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको एक तो वो ज़रूरी होते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते. और दूसरा रीज़न क्या है, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है. रेड ब्लड सेल का साइज भी और प्लाज्मा प्रोटीन का साइज भी लार्ज होता है, और जो पोर होते हैं वो छोटे इन साइज में होते हैं. छोटे होते हैं साइज में तो वहाँ से जो है ब्लड और प्रोटीन जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता. अब आ जाती है, देखिए आपको सबसे पहले तो माइंड में ये बिठाना पड़ेगा कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें दो हमने पढ़ा था, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल. तो एफरेंट आर्टीरियोल से जितना भी ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, वो ब्लड जो है सारा फिल्टर होगा. फिल्टर होगा किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस की वॉल्स के थ्रू एंड वोमेंस कैप्सूल की वॉल्स के थ्रू. और जो भी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आएगा ना हमारे पास, जो भी फ्लूड नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आएगा वो सब वेस्ट प्रोडक्ट होगा. मतलब अभी अब हम आगे स्टेप में देखेंगे किस तरह से एक एक चीज़ जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके एक्सक्रीट आउट होने से एब्जॉर्ब हो जाएगी. जो कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल फ्लूड आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसके अलावा एक और बात है यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर हाई होता है ग्लोमेरुलस में. क्यों? तो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर कम होता है. तो अब ब्लड जितनी तेज़ी से आ रहा है उतनी तेज़ी से बाहर जा नहीं पा रहा. ठीक है, जितनी स्पीड से आ रहा है वो एफरेंट से उतनी स्पीड से जा नहीं रहा, क्योंकि इफरेंट जो है वो उसका डायमीटर छोटा है. तो इस वजह से जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इतना ब्लड जब फोर्सफुली आता रहेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वो और मॉलिक्यूल को फोर्सेस करेगी कि वो फिल्टर हो सके वहाँ से. और जो ये स्लो ट्रांसपोर्ट है इफरेंट की वजह से, मतलब इफरेंट से जो कम ब्लड जा रहा है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि ब्लड वहाँ पे स्टे कर रहा है. जब वहाँ पे स्टे कर रहा है तो उसको फिल्टर होने का टाइम मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट इज द रीअब्सॉर्प्शन. Now come to the reabsorption. Active reabsorption of glomerular filtrate occurs in proximal conduit tubule. Glucose, amino acid, water, salts are reabsorbed here. Reabsorption of water also occurs when filtrate from proximal conduit tubule passes down into the descending limb of loop of Henle, because it is permeable to water and sodium and impermeable to any solute. देखिए अब इन्होंने reabsorption में क्या बात करी है, पूरा आप स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का रिवाइज करें माइंड में. ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, वो हम ऊपर पढ़ के आ गए. उसके बाद आती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल. जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल आएगी तो वहाँ पे जब फिल्ट्रेट होगा, उस ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट होगा वहाँ से सारी काम की चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, ये सब हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है. तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इसकी वहाँ से हो जाएगी. फिर पीसीटी के बाद हमारे पास आते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होगा कि उधर सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, परमिएबल होता है डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए, वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल है एनी सॉल्यूट या सॉल्ट के लिए. कोई सॉल्ट सॉल्यूट यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ क्या रीअब्सॉर्ब होगा,
वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब सारा वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो टिब्यूल के अंदर जो फ्लूड होगा वो किस तरह का होगा, हाइपरटॉनिक होगा, कंसेंट्रेटेड होगा ना, क्योंकि सारा वाटर यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है। देन असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, हियर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डिसेंडिंग लिम्ब से क्या आता है, यू टर्न ऊपर की तरफ जाता है तो असेंडिंग लिम्ब आता है। असेंडिंग लिम्ब क्या है, इम्परमेबल है वाटर के लिए, यहाँ पे अब कोई वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे क्या रीअब्सॉर्ब होगा, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए थ्रू सोडियम एंड क्लोराइड यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। सोडियम एंड क्लोराइन एंड मूव आउट ऑफ द फिल्ट्रेट एंड एंटर इन टू द इंटरस्टीशियल फ्लूइड वेयर दे आर टेकन अप बाय द ब्लड, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि सोडियम एंड क्लोराइड आयंस यहाँ से मूव करके इंटरस्टीशियम में जाएंगे, इंटरस्टीशियम से वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है वो ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएंगे। फिल्ट्रेट बींग ऑलमोस्ट यूरिन नाउ इज पास इन टू द कलेक्टिंग डक्ट वेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द फिल्ट्रेट इज फाइनली एडजस्टेड। अब जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा डिस्टल कॉम्यूनिटेड ट्यूब्यूल में, वो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या होगा, यूरिन होगा, क्योंकि सारी काम की चीज़ें हम यहाँ से एब्सॉर्ब कर चुके हैं, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, शुगर, हर चीज़ तो आप एब्जॉर्ब कर चुके। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये बात माइंड में याद रखनी कि जो ट्यूब्यूल में बचेगा वो वेस्ट होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, तभी हम उससे पहले, उसके एक्सक्रीशन से पहले, उसकी कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले सारी काम की चीज़ें क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल एडजस्टमेंट वाटर की कहाँ होती है, कलेक्टिंग डक्ट में होती है। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है, एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सब्सटेंस सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड डायरेक्टली इनटू द फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट एडेड इन दिस वेव आर एक्चुअली दोज मॉलिक्यूल विच एस्केप द फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलाए। देखिए ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या है, सिक्रीशन मतलब जो बॉडी से सिक्रीट हो रहा है किसके अंदर, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर, पीसीटी में एंड डीसीटी में। इन्होंने क्या कहा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये सारा जो है ब्लड से कहाँ कहाँ सिक्रीट होगा, पीसीटी एंड डीसीटी में, ठीक है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो ना ये यहाँ पे सिक्रीट आउट होगा। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो सब फिल्टर हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ सब्सटेंस रह जाते हैं, तो जो एस्केप आउट सब्सटेंस है फिर वो दोबारा से जो है ब्लड के जरिए से सिक्रीट हो जाते हैं किसके अंदर, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गया तो ऑब्वियसली बात है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देन काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, टू काउंटर करंट मैकेनिज्म्स इन द मेड्यूला। व्हाट इज मेड्यूला, डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज मेड्यूला? आउटर डार्कर पार्ट इज कॉर्टेक्स, जब हम किडनी पढ़ रहे थे तो हमने उसको डिवाइड किया था आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर लाइटर रीजन इज मेड्यूला। मेड्यूला में ही पायरामिड और पेल्विस सब कुछ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवाती रहूँगी ताकि आपको जो है स्ट्रक्चर्स रिटेन होते रहे। जब तक आपको स्ट्रक्चर्स नहीं याद होंगे ना, आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, तो स्ट्रक्चर्स याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द मेड्यूला, इन द लूप ऑफ हेनले, इन द वेसर एक्टा, ठीक है। सब फर्स्ट कम ऑन द लूप ऑफ हेनले, दिस इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेड्यूला व्हाइल पैसेज ऑफ आइसोटोनिक फिल्ट्रेट टू द डिसेंडिंग लिम्ब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टर्न्स फिल्ट्रेट ग्रेजुअली हाइपरटोनिक टू द टिश्यू फ्लूइड। सब्सिक्वेंटली इन द असेंडिंग लिम्ब सोडियम एंड क्लोराइड आयन हैव एक्टिवली रिमूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट दस रिड्यूसिंग द हाइपरटोनिसिटी एंड टर्निंग इन टू द हाइपोटोनिक फ्लूइड। सोडियम एंड क्लोराइड आयन रिमूव फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब स्लोली डिफ्यूज बैक इन टू द डिसेंडिंग लिम्ब। This maintain higher concentration of solute in the inner medulla to the hypertonic environment. Almost 90% of the water filtrate is reabsorbed. As a consequence, urine passes outside the body is hypertonic to the body fluid. अब देखें यहाँ पे सारी कहानी जो है ना कॉमन सेंस की है, जो हमने पीछे हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक वाली कहानियां पढ़ी थी। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब फ्लूड पास हो रहा होता है, ठीक है, पहले तो वो जब पीसीटी से पास होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से पास हो रहा होता है, तो वो क्या होता है,
आइसोटॉनिक होता है, ठीक है। आइसोटॉनिक मतलब सेम कंसेंट्रेशन होती है टिब्यूल में फ्लूड की और सराउंडिंग टिश्यू फ्लूड की, जो टिश्यू जहाँ पे ये नेफ्रॉन है टिश्यू फ्लूड की और इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब ये डिसेंडिंग लिम में जाता है तो सारा वाटर वहाँ से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने आपको ऊपर ही बात मैंशन करी थी कि जब देखिए सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो फ्लूड है टिब्यूल के अंदर वो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, हाइपरटॉनिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपसे बताई थी ना कि हाइपरटॉनिक हो जाएगा। इसके बाद जब यही फ्लूड असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले में आएगा तो वहां पे हमारे पास दोबारा से सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब हो रहा था। जब दोबारा सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब होगा तो फ्लूड दोबारा से क्या हो जाएगा, हाइपोटॉनिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है ना, सोडियम एंड क्लोराइड आयन रिमूव्स फ्रॉम द असेंडिंग लिम स्लोली रिफ्यू सॉरी इसके ऊपर वाला पॉइंट देखें, सब्सिक्वेंटली इन द असेंडिंग लिम सोडियम एंड क्लोराइड आयन हैव एक्टिवली रिमूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट दस रिड्यूसिंग द हाइपरटॉनिसिटी एंड टर्निंग इनटू द हाइपोटॉनिक। जब दोबारा से असेंडिंग लिम में सोडियम एंड क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो फ्लूइड टिब्यूल में कैसा हो जाएगा, हाइपोटॉनिक हो जाएगा। अब यहीं पर एक और जो समझने वाली बात है ना, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहा सोडियम एंड क्लोराइड एंड रिमूव फ्रॉम असेंडिंग लिम स्लोली डिफ्यूज बैक इनटू द डिसेंडिंग लिम। जो सोडियम एंड क्लोराइड एंड रिमूव हुआ है ना असेंडिंग लिम से, वो जो है डिफ्यूज होके कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग लिम में चला जाएगा। बेसिकली डिसेंडिंग लिम में नहीं जाएगा, वहाँ मेड्यूला में चला जाएगा, टिश्यू फ्लूड में चला जाएगा, ठीक है। आउटसाइड मैं टिब्यूल की बात नहीं करी, फिर से बता रही हूँ, टिब्यूल की बात नहीं करी, टिब्यूल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूड है उस इंटरस्टिशियल फ्लूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो असेंडिंग लिम में सोडियम एंड क्लोराइड एब्जॉर्ब होकर फ्लूड में आ रहा था, वो कुछ सोडियम एंड क्लोराइड जो है डिसेंडिंग लिम के पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब फ्लूड वहाँ से पास आउट हो रहा होगा तो जो उस साइड का जो मेड्यूला होगा, इनर मेड्यूला जो होगा डिसेंडिंग लिम साइड वाला, वो बहुत कंसेंट्रेटेड होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने एक्टिवली भी सोडियम क्लोराइड भी एब्जॉर्ब करा लिया ना यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन की वजह से क्या होगा, वाटर जो है सारा रिमूव होके आ जाएगा कहाँ पे, मेड्यूला में, ठीक है। वाटर जो है डिसेंडिंग लिम का और रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ये हम सारी चीज़ें क्यों करते हैं, कंसेंट्रेशन इनर मेड्यूला की क्यों बढ़ाते हैं, ताकि वाटर जो है 90% वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। और वही बात इन्होंने कही है कि जिसकी वजह से 90% ऑफ द वाटर ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, तो फिल्ट्रेट में से 90% वाटर हम इस वजह से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यूरिन जो है बॉडी से जब पास आउट होता है तो वो क्या होता है, हाइपरटॉनिक होता है। देखिए हाँ, यूरिन को तो बेसिकली बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही होना है ना, तो हम चाहते हैं कि यूरिन में ना हमारी बॉडी का वाटर वेस्ट हो ना कोई सब्सटेंस वेस्ट हो, तो हम 90% उससे भी ज़्यादा वाटर क्या करते हैं, हर जगह जितना वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है ना वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से यूरिन जो बॉडी से पास आउट होती है वो क्या होती है, हाइपरटॉनिक होती है बॉडी फ्लूड के मुकाबले में, ठीक है। बॉडी फ्लूड के मुकाबले में यूरिन क्या होती है, हाइपरटॉनिक होती है। अब आ जाता है इन वेजर एक्टा, ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड दैट फ्लोस टू द किडनी पासेस थ्रू द वेजर एक्टा एट वेरी स्लो स्पीड। ब्लड सप्लाई टू वेजर एक्टा प्रोवाइड अ सफिशियंट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ मेड्यूला एंड ऑल्सो टेक्स अवे वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेट विदाउट अफेक्टिंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेड्यूला। देखिए वेजर एक्टा सबसे पहले तो क्या था, हमने जो दो कैपिलरी नेटवर्क पढ़े थे, एक पेरिटिब्यूले कैपिलरी नेटवर्क पढ़ा था, एक वेजर एक्टा पढ़ा था। पेरिटिब्यूले कैपिलरी नेटवर्क कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलूटेड टिब्यूल के पास होता है, और वेजर एक्टा क्या होता है, लूप ऑफ हेनले के पास उसके पैरेलली अरेंज हुआ हुआ होता था, ठीक है, पैरेलल रन करता है उसके। तो वेजर एक्टा में इन्होंने क्या कहा कि ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड एट स्लो टू द किडनी पासेस टू द वेजर एक्टा एट वेरी स्लो स्पीड। जितना भी ब्लड जो किडनी के पास आ रहा है सिर्फ उसका 1% जो है ना वेजर एक्टा के पास जाता है, और वो भी बहुत स्लो स्पीड से। जो वेजर एक्टा को ब्लड जाता है, ब्लड क्या करता है, नरिशमेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसका, मेड्यूला को। सेल को भी तो खाने पीने की ज़रूरत है ना, तो सेल को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मेड्यूला के वेजर एक्टा प्रोवाइड करता है। और जो वाटर और जो सब्सटेंस दूसरे होते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और वाटर को भी वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फिल्ट्रेट में से, जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले वगैरह से पास हो रहा है तो वहाँ से और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये जो है बहुत सुकून से काम करेगा, ये किसी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो ऊपर हमने कंसेंट्रेशन मेंटेन करी हुई थी ना मेड्यूला में, इनर मेड्यूला में काउंटर करंट मैकेनिज्म में, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बस सिंपली अपना काम करके चला जाएगा, ठीक है। तो आपको रिटेन हुआ, आपको याद हुआ हमने क्या क्या पढ़ा था,
हमने चार स्टेप पढ़े थे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। मेन बात क्या थी, पीसीटी में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, जो हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमने बोमेंस एंड ग्लोमेरुलस से पढ़ा। फिर हमने रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन में सारी हमने प्रॉक्सिमल कॉन्डिलिटी टिब्यूल की कहानी पढ़ी। फिर हमने उसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की कहानी पढ़ी। डिसेंडिंग लिम्ब जो था वो परमिएबल था वाटर के लिए और इम्परमिएबल था सॉल्यूट के लिए। इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल था सॉल्यूट के लिए और इम्परमिएबल था वाटर के लिए। फिर हमने टिब्यूलर सिक्रीशन पढ़ी कि जो चीज़ें रह जाती हैं या जो स्किप आउट हो जाती हैं वो दोबारा से सिक्रीट आउट हो जाती हैं इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटरी टिब्यूल में। फिर हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा, जिसमें हमने पूरा ये कहा कि कंसनट्रेशन को हमने किस तरह से मेनटेन किया हुआ है, एक्टिवली हम किस तरह से असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करके असेंडिंग लिम्ब के पास भेजते हैं ताकि 90% ऑफ वाटर जो है टिब्यूल में से या फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब हो जाए और यूरिन जो है वो हाइपरटॉनिक हो टू द बॉडी फ्लूइड। फिर हमने वेजर एक्टा पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो आफ्टर फंक्शन ऑफ किडनी अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन वर्किंग ऑफ किडनी। सो देयर आर टू हॉर्मोन्स विच एक्ट ऑन द किडनी। नंबर वन इज ADH और वैसोप्रेसिन एंड द सेकेंड इज पैराथॉर्मोन। ADH का सेकेंड नेम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिलीज कहाँ से होती है, सिक्रीट कहाँ से होती है। इट इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। जब भी डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो, ठीक है, या बहुत थर्स्टी हो रहे हो आप, तो उस टाइम पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, सिक्रीट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कर दी क्या, ये जाके कलेक्टिंग डक्ट्स की परमिएबिलिटी बढ़ा देती है। डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट, रिकॉल हो रहा है आपको कलेक्टिंग डक्ट क्या बताया था मैंने आपको? कलेक्टिंग डक्ट मैंने आपसे कहा था इट्स अ मेजर या मेन कलेक्टिंग डक्ट फॉर ऑल दी नेफ्रॉन्स। सारे नेफ्रॉन्स आके ओपन कहाँ होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, जो फाइनल यूरिन जो होता है वहीं से पास आउट होता है, ठीक है, जो कि यूरिन कैरी करके लेके जाता है। तो ये जाके उनकी वॉल्स पैक करती है कलेक्टिंग डक्ट की और वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है ताकि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रह सके। जब आपकी बॉडी में वाटर ना हो तो ये रिलीज होती है और वहाँ पर जाके वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। नाउ कम टू द सेकंड विच इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहाँ से सिक्रीट होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से होती है, ठीक है। पैराथायरॉइड इज सिक्रीटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या करती है, ये हमारे पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, ठीक है। वैसे भी कैल्शियम एंड रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही हो, ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत लो, तो उस टाइम पे पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पैराथॉर्मोन रिलीज करते हैं। पैराथॉर्मोन जाके टिब्यूल्स पैक करते हैं और वहां से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थे, इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स ऑन वर्किंग ऑफ किडनी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स में जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वो आते हैं किडनी स्टोन्स। ये किडनी स्टोन्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। नॉर्मली भी अगर हम अपने आसपास में अराउंड में देखें ना, तो किडनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या बोलते हैं लोग कि गुर्दे में पथरी हो गई है या स्टोन हो गए, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। 70% ऑफ किडनी स्टोन से कैलकुलाई आर कम्पोज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट्स और फॉस्फेट। ऑक्सीलेट इज प्रेजेंट नेचुरली इन यूरिन बट द सॉल्ट इट फॉर्म्स विद कैल्शियम हैज अ लो सॉल्युबिलिटी। 70% जो स्टोन बनते हैं ना आपके, बन जाते हैं जो स्टोन, वो स्टोन किसके बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट और फॉस्फेट के। ऑक्सीलेट जो है वो नॉर्मली भी यूरिन में होता है, लेकिन जब ये कैल्शियम के साथ मिल जाता है तो ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, और वो जो सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। जब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, रिटेन हो के क्या बना देगा, कैल्कुलाई बना देगा। एंड एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट इन यूरिन प्रोमोट स्टोन फॉर्मेशन एंड इट इज रिलेटेड टू अ डाइट कंटेनिंग फूड और ड्रिंक विद हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एग्जाम्पल टोमेटोज, स्पाइनिश, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट यूरिन में
अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑक्सीलेट का हो तो वो क्या करेगा, स्टोन फॉर्मेशन करेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो वहीं रह रहा है। अब जितना हाई लेवल होगा वो उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो स्टोन फॉर्म करें। तो किन ऐसी डाइट हम अगर लें जिसमें ऑक्सीलेट ज़्यादा हो तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि टोमेटोज़ हैं, स्पाइनिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें जो है ज़्यादा क्वांटिटी होती है ऑक्सीलेट की। देन 20% स्टोन्स आर इन्फेक्टिव स्टोन। सच कैलकुलाई कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन्स फॉर्म हो जाए वो क्या कहलाते हैं, इन्फेक्टिव स्टोन्स। इसकी कंपोजिशन देख लें, इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। 5% ऑफ फॉर्म बाय यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से जो फॉर्म होते हैं वो 5% स्टोन फॉर्म होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है ना आपके पास, ये 70% वाले ही हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सीलेट और फॉस्फेट के होते हैं। ये ब्लैंक्स में भी आ जाता है, इस तरह से भी आप इसको याद रखिएगा। अब इसकी प्रोसीजर है कि आप स्टोन फॉर्मेशन तो हो गई है, अब आप उस स्टोन को रिमूव किस तरह करेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास लिथोट्रिप्सी है। अ रीसेंट मेथड फॉर रिमूविंग किडनी एंड यूरिथ्रल स्टोन, शॉक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू ब्रेक द कैलकुलाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि हम वेव्स देते हैं, बॉडी के आउटसाइड से वेव्स देते हैं जो कि उन स्टोन को क्या करें, ब्रेक कर दें। इस तरह से पोजीशन में हम बिठाते हैं और डायरेक्टली पोजीशन इस तरह से रखते हैं कि वेव जाके जो ना उन स्टोन्स पे लगे और वो स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देती है, फिर वो यूरिन के जरिए से पास आउट हो जाती है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी, दूसरी होती है शॉक वेव। ठीक है, एक में आप क्या करते हैं, यूज ऑफ एन अल्ट्रासोनिक प्रोब थ्रू अ टेलीस्कोप ट्यूब टू हेल्प ब्रेक अप द स्टोन। अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, ठीक है, टेलीस्कोपिक ट्यूब होती है, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, वो जाके आपके एक्ट करते हैं और स्टोन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है और इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो ना ज़्यादा है, मतलब इसमें हॉस्पिटल एडमिशन भी रिक्वायर्ड होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन भी है, फिर पोस्ट ऑप भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो न्यू और एडवांस मेथड है वो कौन सा है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मोर एडवांस मेथड इन विच शॉक वेव्स आर बीइंग फोकस्ड ऑन स्टोन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी आफ्टर बीइंग ब्रोकन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर पास्ड इन यूरिन। ठीक है, इसमें वो ये कि बॉडी के आउटसाइड से आपने पेशेंट को इस पोजीशन में बिठाया और आपने शॉक वेव डायरेक्टली उसके स्टोन पर करी। ठीक है, शॉक वेव जो है स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगी और वो यूरिन के जरिए से पास आउट हो जाएंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, इसमें जो है हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए होती, तो मोर प्रेफर मेथड कौन सा है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel, Alpine Academy. Thank you.